हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संध्या। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सिंपल एंड इजीएस्ट वे टू वेज पुलाव। इसे हम कुकर में बनाएंगे। इसे हर कोई अपने घर में बना सकता है। समय की बचत भी होगी और आपका 5 मिनट में पुलाव भी बन जाएगा। तो चलिए झटपट स्टार्ट करते हैं वेज पुलाव बनाना। एक कुकर में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 1 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। घी ऐड करने से हमारे पुलाव का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। आप ऑयल की जगह पे घी या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऑयल गर्म हो जाए बाद में हम डालेंगे क्यूमिन सीड्स, रेड चिली, थोड़े से खड़े मसाले ऐड करेंगे ताकि हमारे पुलाव में मसाले का टेस्ट आए। बाद में हम डालेंगे करी लीव्स और थोड़ी सी हींग। अब हम इसमें डालेंगे ऑनियन। 2 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। इसे बीच बीच में हमें हिलाते रहना है। थोड़ा सा रेडी होने लगे बाद में हम डालेंगे वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में आप अपने पसंदीदा कोई भी वेजिटेबल डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे कैप्सिकम, गोभी, पोटैटो, टोमेटो, कैरेट और मटर का इस्तेमाल किया है। वेजिटेबल्स को हम 2 मिनट तक पकाएंगे और बीच बीच में हिलाते रहेंगे ताकि हमारे वेजिटेबल्स जल ना जाए। थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि हमारे वेजिटेबल्स जल्दी से पक जाए। थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर, पाव भाजी मसाला और रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 कप चावल ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। मैंने 1 कप चावल के लिए 1.5 ग्लास पानी का यूज़ किया हुआ है। लास्ट में हम डालेंगे 2-3 ड्रॉप्स लेमन जूस। 5-6 सीटी के बाद हमारा पुलाव रेडी हो जाएगा। तब तक हम इसके साथ खाने के लिए रायता बना लेते हैं। सबसे पहले 1 कप दही लेंगे। उसमें हम गाजर, बारीक कटी हुई मिर्च, कुकुम्बर, टमाटर, प्याज और हरा धनिया डालेंगे। थोड़ा सा नमक और धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे। इसे हम अच्छे से मिला देंगे। बाद में हम पुलाव के साथ सर्व करेंगे। हमारी वेज पुलाव बनकर रेडी हो चुकी है। तो आइए सर्व करते हैं रायता के साथ। तो है ना झटपट बनने वाली रेसिपी। तो क्या सोच रहे हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।